हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज ट्यूसडे और अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के और मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया, बैग भी रेडी है, अभी बस जाने की तैयारी है। इसका साउंड थोड़ा ज़्यादा हो गया, पीछे से बैक साउंड आ रहा होगा। तो अभी गाइस अभी जाने के लिए तैयार हूँ ऑफिस। अभी बज गए 7:07:05, 7:02, वैसे तो 7:10 हो गया घड़ी में, बट क्या है कि 7:05, 7 बजे मेरे को वहाँ पहुँचना होता है, बट मैं हमेशा ऑफिस जाने के लिए होता हूँ लेट। बट आज तो मैं ऑलमोस्ट टाइम पे ही हूँ। वैसे अभी 7:30 से पहले ही पहुँचाऊँगा आज मैं, ठीक है पापा? तो अभी गाइस अभी निकलते हैं और काम के लिए। बाय पापा। ये पानी वाले हालात पता नहीं कब तक सुधरेंगे, वो तो मेरे को पता नहीं है, बट मैं कब सुधरूंगा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर रोज़ सोचता हूँ मैं, आज तो टाइम पे पहुँच ही जाऊँगा, आज तो टाइम पे पहुँच ही जाऊँगा, बट उस दिन और लेट, नेक्स्ट डे और लेट, वो समझ ही नहीं आता। मैं जल्दी उठने के बावजूद भी फिर भी मैं लेट होता हूँ। अब ऐसे कब तक चलता रहेगा, मैं तो खुद शौक में हूँ कि मैं क्यों होता हूँ हमेशा लेट जाने के लिए। मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आता, टाइम पर उठ जाता हूँ फिर भी ऑफिस के लिए लेट। अभी मैं भी पहुँच गया ऑफिस। यहाँ की जो डेकोरेशन की हुई ना, वो रात को देखने में इतनी अच्छी लग रही है ना, साइटों में बहुत ही अच्छी। अब मैं निकल जाता हूँ जल्दी, तो वो व्यू कैसे दिखा पाऊँगा। अगर कभी रात में यहाँ रुका तो उस टाइम फिर वो व्यू कैप्चर करके आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा कैसा सजाया है। ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि 4:30 बजे निकल जाता हूँ और आजकल अंधेरा हो रहा है 6:30 बजे समथिंग, तो उस टाइम पर फिर ये, तब तक तो मैं यहाँ ऑफिस से निकल जाता हूँ। हाँ, अभी अगर मैं रुका ना यहाँ लेट में, उस दिन व्यू दिखाऊंगा यहाँ का, बहुत अच्छा एकदम डेकोरेट कर रखा है पूरा, क्योंकि यहाँ पूरे हॉल पे दिवाली की डेकोरेशन की हुई है ना, तो वो देखने में रात के टाइम तो लाइटें आपको पता है कितनी अच्छी लगती हैं, और अगर पूरा डेकोरेट कर दिया जाए फिर तो वो और भी अच्छा लगता है, तो वो शाम को देखने में इतना अच्छा लगता है। बनेगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आपको वहाँ पर व्यूज। तो अभी गाइस मुँह हाथ धो के आ गया हूँ और अभी पहुँच गया हूँ मैं घर पर। अभी जस्ट बैठे ही हैं पापा, देखो वहाँ चाय पीने पर लगे हुए, मेरे लिए भी चाय रखी हुई है। अभी मैं अभी कपड़े वपड़े खोल के मैं भी चाय पीता हूँ आराम से। तो अभी गाइस आज आया हूँ मैं विनोबा पुरी। यहाँ मैंने सोचा कि बहुत दिन से कहीं बाहर गया नहीं हूँ। एक्चुअली मैं अभी रूम पे ही था, तो एकदम से मूड हुआ कि दिवाली का त्यौहार है अभी, तो सब लोगों ने डेकोरेट करके रखा होगा, हर कोई चीज़ अपने डेकोरेट करके रखते हैं, कोई घर, कोई गार्डन, कोई कुछ। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बाहर चल के थोड़ा देखूँ कहाँ कहाँ क्या क्या डेकोरेशन की हुई है। यहाँ आया हूँ मैं अभी विनोबा पुरी, तो यहाँ पे देखो ये तो खैर पहले के ही लगे हुए हैं, पर ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं वैसे देखने में। वैसे मैं यहाँ विनोबा पुरी फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज ये लाजपत नगर से आगे का एक स्टेशन ले लेते हैं, तो आगे का एक स्टेशन लिया तो यहाँ विनोबा पुरी पड़ा। बाकी तो फिर लाजपत नगर तक मैं आया हूँ, उससे आगे कभी नहीं गया था। उससे आगे मैं गया था मौजपुर के लिए, पर बीच में कभी नहीं उतरा था, तो आज उतरा। मैंने कहा यहाँ का व्यू भी देख लेते हैं कैसा है। ये देखो आई थिंक ये जो फुटपाथ बना है ये अभी न्यू बन रहा है, यहाँ पे देखो ये, पर जब ये बन जाएगा ना प्रॉपर तो बहुत अच्छा दिखेगा, ये बहुत ही अच्छा। ये देखो इस बार जो ये लाइटें लगवाई ना इस पर, ये कितनी अच्छी लग रही, देखो मस्त, बहुत सुंदर लग रही, बहुत ही सुंदर। आधा काम ये हो गया एक्चुअली, थोड़ा सा और रह गया ये बनना, बाकी ऊपर फ्लाईओवर है वहाँ पे जाम लगा हुआ अभी। तो अभी गाइस निकल आए हूँ वहाँ से, अभी घर के लिए पहुँच गया हूँ, बट आज मेरे को होगी बहुत लेट, क्योंकि यहाँ पे पहुँचते मेरे को 11:30 बज गए। अभी देखो जल्दी जल्दी घर जा रहा हूँ, भगवा के बनना, फिर पापा जी की डांस सुनने को मिलेगी। फेज 3 मेट्रो स्टेशन पर आ गया अभी। यहाँ पे देखो पीछे हमेशा क्राउड रहता है, एकदम खचाखच, पता पूरा अंधेरा है रात का, आगे उजाला है बस, और सामने से है मेरे ऑफिस वाला रूट, यहाँ से तो आप पास ही में है घर। आज मैंने मेट्रो का रूट लिया था, ये रैपिड मेट्रो का, तो इसीलिए वहाँ पे उतर के थोड़ा साइबर सिटी की साइड हो गया, फिर वहाँ से सीधा घर के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो
इतना क्राउड है नहीं अभी, बहुत कम है। यहाँ से मैं सुबह में निकलता हूँ, मैं देखो मॉर्निंग के टाइम कैसे उजाला रहता है। अभी यहाँ पे देखो पूरा मतलब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं है। अभी ऐसे लग रहा है अर्ली मॉर्निंग हुई है, पर अर्ली मॉर्निंग में तो क्या है उजाला नहीं रहता लाइटों का। अभी लाइटों का उजाला है, बाकी सारी दुकानें बंद है। बाहर से ब्लॉगिंग करके आऊँ, वो खुद चाहते कि मैं टाइम पे घर पहुँच जाऊँ, दैट्स इट। इनफैक्ट वो कितनी बारी उन्होंने बोला भी है कि ज़्यादा टाइम तक बाहर ना घूमा कर, अपने टाइम पे घर आ जाएगा, टाइम पे जा टाइम पे आ जा। अभी पहुँच गया मैं भी गली में नीचे, पूरा अंधेरा हुआ है। फाइनली पहुँच गया अभी। और पापा खाना वाना खा लिया? खा लिया खाना? चलो ठीक है। वेट भी नहीं किया आपने मेरा? खा लिया आज? अच्छा तो अभी गाइस रात काफ़ी हो गई है, अभी करता हूँ डिनर, उसके बाद फिर सो जाऊँगा। पापा जी देखो अभी वेट कर रहे हैं कि ये कब सोएगा, तो अभी डिनर करते हैं पहले, उसके बाद फिर सोने का ही काम है, फिर एडिटिंग करूँगा, वो भी काम ही है मेरा। तो अभी गाइस डिनर में सीधा फल की सब्जी और रोटी खा लो पापा, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा और ले लो। नहीं नहीं खाना, खा लो, क्यों ले लो थोड़ा सा, नहीं खाना ठीक है, नहीं खा रही है, पता नहीं क्यों नहीं खा रही। खा लियो ना पेट भर के, ठीक है। हाँ सही कह रहे हो, ठीक है फिर। तो अभी गाइस डिनर वगैरह भी कर लिया, अभी सो रहा हूँ, सोने की तैयारी है। पापा जी तो सो गए, मैं अभी सो रहा हूँ। आजकल अभी हल्का फुल्का भी ब्लैंकेट है, अभी हल्का वाला ले रहा हूँ, जैसे जैसे फिर सर्दी पड़ेगी तो फिर बड़ा वाला निकालना पड़ेगा अभी, तो अभी इसी से काम चल रहा है। हल्की सुबह जब उठता हूँ तो बहुत ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ये ठीक है अभी, बट जैसे जैसे बढ़ेगी तो फिर जाएगी और बड़े वाला ब्लैंकेट फिर तो सब निकालने ही पड़ेंगे। तो अभी गाइस इस ब्लॉग को अगर तुम यहीं पे एंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट्स करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।